अस्सलाम वालेकुम। सो भाई ये जो व्लॉग बन रहा है, ये व्लॉग यकीन करो कि आप रात को बन रहा है। मेरा मूड नहीं था कि यार आज मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं एक दिन का गैप लेने का सोच रहा था, बट कुछ हुआ ऐसा कुदरत की तरफ से कि उसने बोला कि भाई तुमने व्लॉग तो बनाना है कुछ भी करो। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। पहले तो माशाल्लाह हम लोगों को लाइव स्नोफॉल मिल चुकी है, अभी हम खाना खा के बाहर जाएंगे। और दूसरा ये देखिए भाई, हमने मंगाया खाना, मैंने तो मंगाई है भाई बीफ चिली, बट हमने श्रिम्स मंगाए थे, तो आप ये देख सकते हो ये तो पूरा उठा के दे दिया उन्होंने हमें। आई थिंक सो क्रैब की तरह खाना पड़ेगा इसको निकाल के। ये हम डालते हैं सभा की प्लेट में। आए सभा रुक जाओ, भाई मुझे सभा को इसको देख कर ही डर लग रहा है। तो हाँ कुछ हुआ यूँ कि बाहर स्नोफॉल हो चुकी है और मेरा दिल कर गया कि बस यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करना। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं भाई मार्ट, जो कि एपीसी के अंदर ही है। और सभा ने बोला था मुझे कि यार मुझे कुछ अच्छा सा स्पेशल फील कराओ मेरी एनिवर्सरी पे, तो हम लोग इसके लिए कलाम भी गए, सवाज भी गए, और सवाज से देन फिर हम आए मालम जब्बा दोबारा बर्फ में एक बार, इसका फिर दिल किया तो स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से ही मना रहे हैं। तो आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो और जूस वगैरह जस्ट। तो स्नैक्स लेते हैं और चलते हैं फिर बर्फ में। कुछ ले लें या नहीं ले लें बासिल के लिए? यार हमने लिया है। सूट किस में? नहीं वो गाड़ी में बाद में तो ले लिया हमने भाई, नाइट क्रेविंग के लिए बहुत सारा सामान। ये मां साहब मेरी खिदमत करते हुए बोलते हैं केयरिंग हस्बैंड, गुड केयरिंग वाइफ के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताएं। वो जब वाइफ कुछ करेंगी तो पता लगेगा ना। कोई चीज दिखाऊं आपके चीज रूम? वहां से मैं बोलूंगा ना आंखें बंद करनी है, वहां से आंखें बंद करनी है, तो मैं जब बोलूंगा आंखें खोलनी है तो जब खोलनी, ठीक है? 1 2 3। तो भाई सभा को बहुत प्यारा सरप्राइज देते हैं। सभा दूसरी बार मेरे साथ आई है और दूसरी बार भी स्नोफॉल हो गई, फर्स्ट टाइम भी हुई थी। सो देखते हैं सभा का स्नोफॉल में क्या रिएक्शन होगा जब। 1 2 3। बहुत स्लो हो रही है, लाइक छोटे छोटे से नहीं होते और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटी बूंदे भी हो जाएंगी। ठीक है SBM। अरे माशाल्लाह SBM। बासिल को मिस किया? उसको हर एक घंटे बाद कॉल करती हूं। अब ना मम्मा ने मना कर दिया कॉल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ना मैं उसको सुबह से बहुत कॉल कर रही थी और वो उठा हुआ था, मैं उससे बात कर रही थी, बासिल मम्मा आई हो, तो ना वो फिर झूले में सो भी नहीं रहा था। अम्मा करते छोटे बच्चे नहीं बोलते, नहीं पर बोलते। वो भूल रहा था मेरा बच्चा, मैं उसके उसको छोड़ के नहीं आऊंगी। अब इधर से ऊपर जाना है हमें, बहुत मजे का रास्ता है, बहुत मजे का। आज आज मैं जो जा रहा हूँ भाई ऊपर, ये देखो आप, मतलब कि कितने फिट होगी, लाइक 4-4 5-5 फिट तक ना इधर बर्फ पड़ी हुई है, और अगर आप पांव चले जाए ना आपका तो देखो ये देखो अंदर भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज हम अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा व्लॉग दिन से बनता है, आज रात को बन रहा है। सो आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ, हम आ गए थे सुबह सुबह मालम जब्बा। मैंने सोचा कि यार हम जा तो रहे हैं, बर्फ मिलेगी सिर्फ वहां पर, लाइक पड़ी हुई होगी, हो तो सकती नहीं क्योंकि चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने जब गूगल पे देखा तो बट ये कुदरती आखिरी रात है और बर्फ मिल गई है, और मेरा ये तीसरी बार है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे बर्फ़ से इतना प्यार है, इतना प्यार है। सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसी मशीन होता कि मुझे ना सर्दी नहीं लगे और मैं 24 घंटे अपने आँखों के सामने स्नोफॉल होते देखूँ। सबा रिपोर्टर के चलते हैं भाई सबा रिपोर्टर की तरफ और उनसे पूछते हैं मालम जब्बा की सूरत हाल बताएं। सबा रिपोर्टर कुछ बोले भी? नाक से पानी आते हैं। सबा रिपोर्टर ये नहीं करना, लाइव कैमरा ऑन है। सबा रिपोर्टर जल्दी बताएं। रिपोर्टर आपसे मैंने रिपोर्टिंग के बारे में पूछी कि कैसा है वेदर, मजा आ रहा नहीं आ रहा? दरअसल सूरत हाल ऐसी है कि मालम जब्बा में बहुत ठंड है, प्लीज कमरों में चले जाओ, बाय बाय। रिपोर्टर को लग गई है ठंड, ये इंटरव्यू करेंगे कल कंटिन्यू, बाय। रिपोर्टर क्या कहेंगे सूरत हाल पे? ये बर्दाश्त से बाहर है आपका भाई, लेकिन व्लॉग बनाएगा आपके भाई के हाथ में ना बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। सिक्स में आपके भाई बगैर ग्लव्स के व्लॉग बना रहे हैं मजे से और आपको अपनी खुशी के इजहार करते हुए। तो यस आप इस व्लॉग को लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर कर दे, और अगर जिस भी आपने दिखा है तो एक बार फिर से लगा के देखे। थैंक यू, बाय। माज ने जैसे ही देखा स्नोफॉल बढ़ गई है तो भाई माज से तो कंट्रोल ही नहीं है, वो दिख रहे हैं आपको माज, ये देखे ये स्नो के पीछे पागल है। इतनी बर्फ हो रही है कि आप लोगों को दिख भी नहीं रहे होंगे ये दो। गेट पे कोई सरप्राइज आया? सरप्राइज? अरे 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 हैप्पी एनिवर्सरी माँ सबा, थैंक यू सो मच। किसने भिजवाया भाई? सब्सक्राइबर्स हमारे ठहरे हुए हैं हमारे आगे पीछे की रूम में, सो उन्होंने मुझे देख लिया था, सबक को देख लिया था, तो उन्होंने हमारे लिए एक केक गिफ्ट भेजे।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ नीचे। माज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उनको दो व्लॉग एडिट करने थे, तो उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा, आप करो, मैं बाद में कर लूँगा। मेरी प्लेट रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये छोलों का सालन है, आलू का सालन, ये नान, ये वाटरमेलन। नमाज ऊपर तो आई नहीं, तो मैं ये उनको स्पेशल बोल कर नमाज के लिए ऊपर नाश्ता लेके जा रही हूँ। नमाज नाश्ता करेंगे, ये लेंगे, मैं आपके लिए नाश्ता लाई उनको बोल के स्पेशल। नमाज आज करने लगे हेल्दी नाश्ता, जिसमें से केक तो हेल्दी नहीं है, ये सब्सक्राइबर ने भिजवाया था, और जो मैं लाई हूँ सब कुछ हेल्दी है। देखें, ताकि मांस खाएं और मांस में एनर्जी आए, दो व्लॉग एडिट करें और तीसरा व्लॉग बनाएं और मेरे साथ घूमें और एंजॉय करें। Okay. नाश्ता हो गया कंप्लीट और यहाँ पर हो चुकी है मेरी सही वाली मॉर्निंग और कपड़े वपड़े चेंज हो गए, तैयारी है भाई दोबारा से बाहर जाने की। लेकिन उससे पहले आपको अपने रूम से सुबह सुबह के मनाजिर दिखा दूं। ये हमारा बेड आ गया और ये साथ ही आ गई इसकी विंडो। सो 1 2 3 आए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। भाई इस टाइम जो है ना कुछ दिख नहीं रहा था, जब मैं नाश्ता कर रहा था तो सब कुछ क्लियर दिख रहा था। अभी ये सारे बादल के अंदर है हम, लाइक बादल जो है ना वो हाथ में तो नहीं आते और बस ऐसा लगता है कि हम इसको पकड़ लें, बट यूं पकड़ सकते हो बट हाथ में नहीं आए। देखो नीचे जो है सफाई हो रही है क्योंकि अगेन स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है। मेरे जो व्लॉग है ना ये वाले, ये रफ एंड रफ होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं फील के साथ व्लॉग नहीं बना पाता, क्योंकि सारी फील तो मैं खुद ही ले लेता हूँ, तो आप लोग के साथ मैं शेयर ही नहीं कर पाता। बट अगर मैं कराची वगैरह में होता हूँ या कराची कहीं भी बाहर होता हूँ, बर्फ में अगर नहीं होता, समझो सिर्फ बर्फ में अगर मैं नहीं होता ना, तो मैं सही मतलब ना व्लॉग में फील भी डाल देता हूँ और अपनी भी फील ले लेता हूँ। बट जहां पर बर्फ आ जाए वहां मेरी फील सिर्फ मेरे तक ही रह जाती है। ये मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। सो आप लोग बस एंजॉय किया करें, तो इस व्लॉग को जैसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो क्या अभी जब ऊपर जाने वाला हूँ तो मैं अपनी फील फिर खुद लेने वाला हूँ, सारी आपको नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा मौसम वापसी क्लियर होना शुरू हुआ, देखो सब दिख रहा है भाई। बट चेयर लिफ्ट अगर ऊपर जाएंगे ना तो वहां पर बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। वो ये लो आपकी भी। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और हमने सारे जो बैग है वो पैक कर लिए, बैग गाड़ी में आएंगे तो हम देखते हैं अपनी गाड़ी कैसी है हमारी। ओ भाई ये तो साफ करे हमारी गाड़ी, थिंक इस तरह की होती है हमारी गाड़ी भी, बट इन्होंने शायद बहुत हद तक साफ कर दी। साइड में देख लेते ना कितनी बर्फ गिरी है, कल ये नहीं थी बर्फ, ये देखो रुई वाली बर्फ है, रुई वाली। हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट साफ हो गई, मलाई बर्फ हो रही है यार। हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट, अब के शीशे पे हम बर्फ डाल देते हैं ज्यादा तक इसको बाहर दिखे ना देख के। अच्छा गाड़ी हमने डायरेक्ट यही पार्क कर दिया, नीचे से जाएंगे पैदल ताकि हम लोग चेयर लिफ्ट पे एंजॉय कर सकें और गाड़ी फिर वापसी में यहाँ से ले लें। ये होते हैं बदतमीज बच्चे, तो पहली बार बर्फ में आते हैं। एक टिकट जो है 1200 रुपए का, 4 टिकट चाहिए, मिल गए भाई हमें 5 टिकट, जिसमें से 200 रुपए का भाई फूड वाउचर भी है और फ्री एंट्री है और चेयर लिफ्ट है। बहुत ही करीब पहुंच गए भाई चेयर लिफ्ट के, वहां से हमें बैठना है। नहीं जो मेरे पास तो एक और है, हमने 5 ले लिए वही गलती से, ये कार्ड मेन गेट पे पंच नहीं किया है, फिर से ये आप लोग वापस कर सकते हैं। 1200 रुपए का झटका लग जाता भाई हमें यार, 1200 बचाएंगे वापसी कराएंगे। थैंक यू। एक कार्ड उन्होंने दे दिया मुझे, बोला कि वापसी करा सकते हो क्योंकि आपने इसको यूज नहीं किया अभी तक। फाइनली बादल से ऊपर जाने वाले, बादल हाथ में तो नहीं आएंगे, ठीक ठाक अलग मिल। थैंक यू। तो वो ना दोनों की नई नई शादी होती है तो घूमने जाते हैं बर्फ में ना, वो चेयरलिफ्ट पे बैठते हैं तो उसकी बीवी थोड़ी मोटी होती है, अब वो ना चेयरलिफ्ट चल जाती है, वो शोर अकेला चला जाए, बीवी नीचे गिर जाती है। वाकई तो मतलब शोर अकेला ऊपर गए इतना लंबा, गुस्से से देखते हैं वो बेचारा उतर कूद भी नहीं सकता। लड़की का फिर क्या हुआ, वो बेचारी तो गुस्से देख रही थी शोर। मैंने नहीं देखा जी वो वीडियो, मुझे तुम्हारा करके देखना पड़ेगा, पता करो यार मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझे रिएक्शन चाहिए यार आगे वाला वीडियो का, क्या रिएक्शन लगेगा। मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ भी, चलो मैं आगे का रिएक्शन तो देखूं यार। अच्छा मैंने भी एक वीडियो देखी थी, एक लड़का की चेले पे बैठे होते हैं, ठीक है लड़का बोलता है अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं की सारी बातों की सारी गलतियों की तो मुझे फेंक दूंगा, सो फटाफट सॉरी कर ले, 1 2 3 सॉरी बोल, जितनी मेरे गलती की सारी माफी, आईना नहीं करूंगी सॉरी, पक्का आईना नहीं करूंगी, कसम 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 गिरा दूंगा, समझ रहे हो भाई। जो जो अपनी वाइफ से तंग है ना भाई, वो अपनी बीवी को उधर ले आए और सारी गलतियों की माफी मंगवा ले उससे। आ चुके हैं बादलों में, जीरो विजिबिलिटी में आ गए, मौसम में पॉल्यूशन नहीं है तो जिस वजह से हमें चेयर्स भी दिख रही हैं, वरना तो ये भी नहीं दिखती अगर पॉल्यूशन थोड़ा सा भी होता तो। ये देख लो सब लाल, ओए ओए मां हाथ डाल दो वरना हो जाता। नहीं अगर मैंने बर्फ उठाई ना तो फिर चांसेस है फ्रॉस्ट बाइट होने के, अगर मेरा पांव बर्फ, मेरा हाथ अगर बर्फ में नहीं जा रहा तो फिर हो जाता है। जैसे ही भाई देखो हमें दिखना शुरू हुआ, आए हाय 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 यार सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तेरी कुदरत,
सुभान अल्लाह अभी आई आला ही रबी को मात जीबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी रहमतों को लाए भाई। हम लोग यहाँ पे स्टिक ले रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो काफी बर्फ है, तो स्टिक की मदद से हम लोग थोड़ा आगे आगे जाके करेंगे। मैं ग्रिप अच्छी कर लूँ अपनी, इसे पता लग जाएगा बर्फ कहाँ तक। ऊपर जा सकते हैं? जा सकते हैं। Let's go, बहुत मजे की जगह। जो हाइकिंग हो रही है मजा आ रहा है, ऊपर पूरा पहाड़ यूं जा रहा है आगे। हम करते हैं फिर हाइकिंग, आगे जा रही जाऊँ जो इतना मजे का और ऊपर मौसम ऊपर चलने थे यार। ऊपर तो काफी आ गए लेकिन अब हम फंस गए भाई, ये सारा स्लिप हो रहा है, सारा स्लिप हो रहा है। देख के मुझे लग रहा है कि भाई ये ब्लॉग बड़ा होता जा रहा है, काफी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि सारे मूवमेंट ऐसे हैं कि कुछ कट करने का था ही नहीं। ओ स्लिप भी हो रहे हैं भाई, ओ आराम से। मुझे मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा अभी, और क्योंकि मैं हाथ अपने दोनों अब जो है ना जेब के अंदर डाल रहा हूं। बहुत ठंड लग गई है, बहुत ठंड भाई। ये अगर फ्रीज हो गए तो उसे मसला ना हो जाए कि डॉक्टर जाना ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गई ये रेड। तो यहाँ पर लग गई है आग, और इसी के साथ चाय पकोड़े और फ्राइज ये खाते हैं फटाफट से, और थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, देन चलते हैं डायरेक्ट नीचे क्योंकि स्नोफॉल तो हो नहीं रही, क्या पता भाई नीचे जाते जाते की हो जाए। सो या यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, मुझे बहुत शौक है ये मैं बासिल को सिखाऊंगी क्योंकि हम लोगों को तो आता नहीं है, तो वो बर्फ को सही से एंजॉय करे। सफर का इख्तिताम होते हुए मालूम जब्बा ने हमें बहुत सारी यादें दी, पिछले साल भी बहुत सारी यादें थी, इस साल भी बहुत सारी यादें, तो चलते हैं अब डायरेक्ट हम पिशावर की तरफ। पिशावर यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव पर है, लगभग अभी 3:30 हो रहे हैं और हम 8 बजे तक पिशावर पहुँच जाएंगे। बासिल क्या हो रहा है भाई, खेला कूद जा रहे हैं? सवाल को कहते हैं भाई अलविदा भाई, बहुत टाइम हो रहा है भाई, 6:06 मोटरवे पे लगा भाई हमें, तो मोटरवे भी आधा क्रॉस हो गया और ये भी हो गया, और अब हम चलते हैं डायरेक्ट होटल पिशावर के, मतलब थोड़ा सा ही रहिए पिशावर, समझो 1 घंटा रहिए, और पिशावर जाके हमें होटल लेना है, फिर होटल में सारा बैग चेक दोबारा से रखना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे खाने पे क्योंकि भूख बहुत लगी है भाई। नाश्ता तो थोड़ा सा ही किया था, वो भी फ्रूट श्रूट, तो खाना तो मस्ट है। कैसा गुजर रहा सफर? नींद में फाइनली पहुँच गए भाई पिशावर, भाई पहुंच गए खाने की जगह पर, और हम पहुंचे हैं जहां पर हमें मिलती हैं भाई रिब्स वगैरह और अगवानी बोटी। नीचे तो बड़ा रश का है भाई, हम बैठे हैं भाई वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम देख सकते हो आप किस तरह का है, मतलब किसी के सोने की जगह है ये, उसने बोला वेटिंग में यहां कर लो, देन कोई फैमिली अगर जो खाली हो जाएगा रूम तो फिर हम रूम में चले जाएंगे। ऑर्डर क्या क्या है हमारा? अगवानी बोटी, कौन खाएगा कुछ भी, रिब्स पसलियाँ, अगवानी बोटी, रोटी और ये रिब्स। चखते हैं भाई अगवानी बोटी यहाँ की कैसी है भाई, कराची की तो बड़े ही मजे की लगती है हम लोग को। रियल अगवानी बोटी जो ना वो यही है, लेकिन दुम्बे का गोश्त है, और कराची में जो मिलते हैं ना जो अगवानी बोटी हम लोग खाते हैं, वो हम खाते हैं भैंस का गोश्त, लिटरली शॉकिंग है बट बहुत मजे का होता है वो उन सीखों में। जो ये वाला है ये तो प्योर दुम्बा, तो लोग पता नहीं करते। नीड आपको पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो, मस्ट कर दो, और इस ट्रिप का इंतजाम कल हो जाएगा जब हम घर चले आएंगे, लेकिन कल जो है ना कल हमें मिलना बासिल से और बासिल को लेने जाना है, तो बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या फीलिंग है कल बासिल से मिलने की? उड़ के चले जाऊँ, उड़ कर ही जाएंगे जहाज में। बाय बाय।